खबर शामिल करते इस्लामाबाद से सरदार सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने बैरूनी मुल्क इलाज के लिए जाने के मुतालिक कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की। ईद उल फितर की तातीलात के दौरान पाक फौज पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया और आवाम ने SOPs पर अमल किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शरह कम हो गई है, भारत का होलनाक वायरस UK तक फैल गया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के हवाले से पिछले कई दिनों से मीडिया में शोर है, अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला, समरी कैबिनेट डिवीजन से वापस नहीं आई, सोमवार या मंगल को आ सकती है। इस केस में पहले ही 14 बंदों का नाम ECL में है, इनके खानदान के 5 मुलजिम मफरूर हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ के ग्रंटर हैं, वो सीधा लंदन नहीं जा रहे थे, 15 दिन कतर में करंटीना के बाद UK जाना था, हमारे पास इनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। समरी पर फैसला लॉ और दाखिला की वजारत करेगी और फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा।